वैसे तो बुलडोजर को कानून व्यवस्था का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन अब यही बुलडोजर राजनीति का बड़ा हथियार बन गया है। दिल्ली से शाहीन बाग में आज बुलडोजर पहुंचा तो राजनीति को साथ लेकर। कार्रवाई नहीं हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। आज दिन में बुलडोजर कैसे लौटा बैरंग, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर देखिए भारत की बात। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर सुबह सुबह शाहीन बाग इलाके में पहुंच गया और फिर सड़क पर ही संग्राम शुरू हो गया। बुलडोजर इलाके में कार्रवाई करता उससे पहले ही शाहीन बाग इलाके के लोग और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर। होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस ने पुरुष कार्यकर्ताओं को हटाया तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में एक महिला तो बुलडोजर पर ही चढ़ गई। कह रहे हैं कि हम तो नोटिस देते हैं, बार बार कहते हैं अतिक्रमण का हिस्सा नहीं होना चाहिए, सड़क घेर लेती है पूरे आधे से ज्यादा लोग। कोई नोटिस नहीं दिया, दिखाइए मुझे एक भी नोटिस। तो एक दूसरी महिला बुलडोजर को रोकने के लिए उसके अगले हिस्से पर बैठ गई। लकड़ी तोड़िए पहले, हमें इनकी लकड़ी तोड़िए पहले, गरीब पर रोजगार नहीं। सरकारी काम पे बाधा डाल करके आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग सेफ और सेफ, अबे जो आप असंवैधानिक बुलडोजर चलाने की तैयारी करें उसको रोकने की कोशिश करिए। घंटों तक शाहीन बाग की सड़कों पर ये ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इस हंगामे के बीच बुलडोजर लोहे के इस स्ट्रक्चर को गिराने के लिए आगे बढ़ा। लोग मानने को तैयार नहीं है, ये सामने जो आपको दुकान दिख रही है इसी दुकान पर ही अतिक्रमण का जो हिस्सा है उसे हटाने के लिए बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है। पहली कार्रवाई होनी थी, पहली कार्रवाई होने में एक घंटे की देरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बुलडोजर काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोग लगातार बुलडोजर के आगे आ जा रहे हैं। एमसीडी का बुलडोजर बालकनी बनाने के लिए खड़े लोहे के स्ट्रक्चर को गिराता, उससे पहले लोगों ने खुद ही इसे गिरा दिया। जो था, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल लोग नहीं थे इसको नहीं खोल पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसको पूरा नीचे गिरा दिया और जितनी भी तारे यहाँ पर, चाहे वो केबल की तारे हों, इसके अलावा इंटरनेट की तारे हों या फिर बिजली की तारे हों, वो सब तारे यहाँ पर टूट गई हैं। हालांकि इससे किसी को चोट भी लग सकती थी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बुलडोजर लौट गया, लेकिन अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर हो रही है। नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान भी शाहीनबाग पहुंचे। अमानतुल्ला ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, जो अतिक्रमण था वो लोग पहले ही हटा, मैंने खुद हटा दिया, यहाँ के लोगों ने हटा दिया, सारी RWA मौजूद थी, सारी यहाँ की मार्केट एसोसिएशन मौजूद थी, SHO खुद मौजूद था। जब हमने खुद अतिक्रमण हटा दिया तो अब राजनीति कहाँ से आगे, राजनीति तो ये करने आए। इस उठापटक के बीच शाहीनबाग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कह दिया। ABP News आपको रखे आगे।